गंगा में आई बाढ़ से छोटी नदियां भी उफान पर हैं। इन नदियों से सटे तमाम गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के मिठनपारा गांव में शुक्रवार की दोपहर बाढ़ के पानी में डूबने से एक बालिका की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। स्थानीय विधायक ने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार मिठापारा गांव निवासी वीरेंद्र यादव का मकान बेसो नदी में आई बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। उसकी 10 वर्षीय पुत्री रुचि आज दोपहर में बाढ़ के पानी में नहा रही थी, इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूब गई। ग्रामीणों ने उसका शव बाहर निकाला। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। ग्राम प्रधान ओम प्रकाश यादव की सूचना पर पुलिस के साथ ही सदर तहसीलदार मुकेश कुमार सिंह, कानूनगो रविंद्र गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी जय प्रकाश यादव, चौकी इंचार्ज आलोक त्रिपाठी के साथ ही जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। विधायक ने सांत्वना व्यक्त करते पीड़ित से घटना की जानकारी ली, परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक यजुवेंद्र सिंह ने बताया कि बेसो नदी में आई बाढ़ के पानी में डूबने से बालिका की मौत हो गई। लिखा पढ़ी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।